इस जूस को दो तरह से पी लो, पुराने से पुराना कब्ज हो, पाइल्स है, फिशर है, फेस्टोला, उसे जड़ से ख़त्म कर देता है। बहुत ही आजमाया हुआ इफेक्टिव इलाज है। कई सारे रिसर्चों के अनुसार और कई सारे अनुसंधानों से भी पता चला है कि ये जो जूस होता है ये दोनों तरह की बवासीर, चाहे खूनी हो या बादी, दोनों तरह की बवासीर को जड़ से ख़त्म कर देता है। यहाँ तक का ये जो रस है ये फिस्टुला और फिशर जैसे पेशेंटों को भी ठीक कर देता है। बस इसे लेने का तरीका आपको आना चाहिए कि किस तरह से बनाएं और किस तरह से आप इसका सेवन करें। चलिए बताती हूँ कि वो है क्या और ये जूस कैसे बनेगा। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे नए वीडियो को आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। ये बहुत ही इफेक्टिव सी चीज़ है, ये मौसम में मिलने वाली है, हर समय हर मौसम में आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। और इस विंटर सीजन में तो आप देखते हैं मार्केट में इसका भरमार है। इसे कहते हैं मूली। मूली को अगर आप दो तरह से लेते हैं तो पुराने से पुरानी पाइल्स, फिशर, फेस्टुला जैसी बीमारी भी आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। तो ये जो है पत्तियाँ होती हैं ये भी बहुत इफेक्टिव है। हम आपको दो तरह से बताएंगे कि मूली का जूस आप कैसे बनाएं और मूली के पत्तियों का सेवन कैसे करें, इसे किस तरह से लेना चाहिए और किस टाइम पे लेना चाहिए। अगर आप बताए गए अनुसार लेंगे तो गारंटेड रेमेडी है, आप इस रेमेडी से पूरी तरह से पाइल्स की समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो देखिए जो पत्तियाँ हैं आपको इस तरह से 8 से 10 पत्तियाँ ताज़ी आपको छाँट के रख लेनी है। तो इसे सबसे पहले अच्छे से धुल के वॉश करके सफाई के साथ ये पत्तियाँ आप इसे सेपरेट करेंगे। तो 8 से 10 पत्तियाँ आपको अलग कर लेनी है और साथ में 2 मूली जो है सफ़ेद मूली बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, मेडिकेटेड होता है, कब्ज की समस्या को दूर करता है। पेट में कितना भी भयानक अगर आपकी गैस बनी हो, पेट में मरोड़ है, दर्द है, तो भी आप इस मूली का अगर जूस इस तरह बना के पीते हैं ना तो आपको ये गैस की समस्या भी दूर हो जाती है, बहुत इफेक्टिव होता है। कब्ज के लिए तो रामबाण है। तो देखिए हम क्या किए हैं, 8 से 10 पत्तियाँ इस तरह सेपरेट करके रख लिए हैं और 2 मूली को हम अच्छे से साफ़ करके उसको भी छील के ले लेंगे, यानी उसके जो छिलके हैं उसको आप हल्का सा स्क्रैच करके इस तरह से निकाल के ले लेंगे। अब आपको क्या करना है, एक तो आपको बनाना है मूली का जूस यानी मूली का रस आप बनाएंगे। तो मूली का रस बनाने के कई तरीके होते हैं। इसे आप छोटा छोटा मिक्सी के जार में पीस के भी रस बना के तैयार कर सकते हैं, या फिर आप ले लीजिए एक छोटा सा कद्दूकस, उसे बारीक बारीक साइज से कद्दूकस कर लीजिए। तो सबसे पहले इसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप इसका जूस बनाएंगे, आपको इसका सेवन करना है। तो इसलिए आप इसका जूस बनाने के लिए जो मेथड हम आपको दिखा रहे हैं आप इससे बनाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाता है और आप बहुत ही जल्दी ये बना के तैयार कर लेंगे। तो बस फटाफट इस तरह से कद्दूकस करिए और 2 मूली आप अगर कद्दूकस करते हैं तो आप इस तरह से आधा गिलास आप मूली के जूस का बना के तैयार कर लेंगे। तो ये बहुत आसान है, इस तरह से देखिए हम कर ले रहे हैं फटाफट और आपको बताते हैं। इसको करने के बाद आप क्या करेंगे, आसानी से इसका जूस निकाल लीजिए, स्क्वेच करके निकालिए, किसी कपड़े में डाल के इसको आप आसानी से छान लीजिए या फिर किसी स्ट्रेनर पे आप रख के इसे छान लीजिए या फिर हाथों से भी स्क्वेच कर देंगे या फिर ऐसे छोड़ देंगे थोड़ी देर तो इसमें पानी बहुत अच्छी मात्रा में निकल के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से कर लिए, अब हम हाथों से ही देखिए आपको कैसे दिखाते हैं, इसमें बहुत सारा रस निकलता है। तो आप देखिए इस तरह से आसानी से ही हाथों से दबा दबा के हम इसका रस निकाल ले रहे हैं। और आपको लेना कैसे है ये बहुत ध्यान से देखिए, जब आप खाना खा लेते हैं ना तो खाना खाने के आधे घंटे के बाद आप इस तरह से मूली का जूस ये जो बन रहा है इस तरह से सफ़ेद मूली के जूस का आप सेवन करेंगे। सफ़ेद मूली जो होता है यही पाइल्स की दवा होती है, बवासीर को पूरी तरह से ठीक कर देता है, पुराने से पुराने कब्ज को ये जड़ से ख़त्म कर देता है। आप इसे आजमा के हफ्ते भर लगातार आप इसे करेंगे तो आपको खुद ही दिखने लगेगा कि 20 साल पुरानी कब्ज है वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है इस मूली का सेवन करने का, उसकी जो पत्तियाँ होती हैं जैसे 8 से 10 पत्तियाँ आपने सेपरेट किया था उसको इस तरह से छोटा छोटा आप तोड़ के मिक्सी के जार में डालिए, आसानी से मिक्सी के जार में आप इसे बना सकते हैं। उसके साथ 4 से 6 टुकड़े इस तरह से मूली के पत्ती के छोटे छोटे जो देखिए स्लाइसेस किए हैं इसको भी इसके अंदर डाल दीजिए, यानी मूली भी और मूली के पत्तियों को दोनों को एक साथ पीस के हम इसका भी जूस बना के तैयार करेंगे। ये जूस भी बहुत इफेक्टिव होता है, पाइल्स, फिशर, फेस्टुला ऐसे पेशेंटों के लिए बहुत ही बढ़िया सी मेडिकेटेड दवा बन के तैयार हो जाती है। ये आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती हैं घरेलू उपचार होते हैं, लाखों रुपए की दवाइयाँ अगर आपने खर्च कर चुका है तो देखेंगे इसको करने से आपकी बीमारी पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये पूरी तरह से नेचुरल होती है, प्राकृतिक दवाइयाँ हैं, घरेलू उपचार है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बस इसको सही मात्रा में लेना है, जितना
आपको दिखा रहे हैं, देख रहे हैं आधा गिलास से थोड़ा कम है। बस इतनी ही क्वांटिटी में आपको मूली का रस या मूली के पत्तों का रस आप खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद अगर आप सुबह शाम लेते हैं तो आपकी पाइल्स की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी। ये दोनों तरह की पाइल्स की समस्या को दूर करता है, पुरानी कब्ज की समस्या को भी दूर करता है। आप इसे एक बार आजमा के करके देखेंगे, 20 साल पुरानी भी अगर आपकी बवासीर की समस्या है तो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा ये आजमाया हुआ और कई सारी रिसर्चों से भी पता चला है कि इसे कई सारे पाइल्स के पेशेंट इससे ठीक हुए हैं। साथ साथ जब आप ये जूस पीते हैं मूली के पत्तों का, तो छोटे छोटे इस तरह से स्लाइसेस बना लीजिए। इसमें थोड़ा सा काला नमक और इसमें या तो फिर सेंधा नमक डाल के आप नींबू को इस पर थोड़ा सा छिड़क लीजिए। इसको साथ साथ खाते रहिए, जूस को पीते रहिए। ये इतना रिच क्वांटिटी में इसमें फाइबर होता है कि जो स्टूल्स हार्ड हो जाते हैं पुराने और जिससे वजह से कब्ज से बहुत परेशान होते हैं पेशेंट, वो स्टूल्स को भी हार्ड जो होते हैं उसके सॉफ्ट करने का काम करेगा। तो आप साथ साथ इस तरह से जो मूली होते हैं ना, इसके आप सैलड ज़रूर यूज़ किया करिए। सलाद में से अपने खाने के साथ इस तरह से मूली का सेवन करें। तो आप इस तरह से इसी मात्रा में आधा गिलास सफ़ेद मूली का रस या फिर उनके पत्तों का रस आप इस तरह से आधे गिलास से ज़्यादा एक दिन में सेवन नहीं करेंगे। विंटर का सीज़न है तो रात के टाइम पे आप इसे ना करें। सुबह आप ब्रेकफास्ट में एक बार ले लें, यानी नाश्ता करने के आधे घंटे बाद, और फिर दोपहर में जब आप खाना खाते हैं तो उसके बाद आप लीजिए। रात में मूली का सेवन आप ना करें, जिससे आपको इसके कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। आप इसे करके देखिए, आपको इससे 100% रिजल्ट मिलेगा। तो आशा है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। वीडियो पसंद आई है तो अपने लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।